दोस्तों, जब हम क्रिकेट या फुटबॉल कहते हैं तो आप 100 नामों के साथ आगे आते हैं, लेकिन अगर हम जैवलिन थ्रो में कुछ नामों के बारे में पूछें तो क्या होगा? आप अपना सर खुजाओगे। हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि भारत एक एथलेटिक राष्ट्र नहीं है। 130 करोड़ के देश में गिनी चुनी प्रतिभाएं ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने का सपना देखते हैं। ये प्रतिभाएं इतने उज्ज्वल रूप से उभरती हैं कि इस क्रिकेट के दीवाने देश में भी लोग उन्हें नोटिस कर जाते हैं। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। आज नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, देश का बच्चा बच्चा नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जर्नी को जानता है। भारत के इस खिलाड़ी ने 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज अब अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीतने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए हैं। 23 साल के नीरज से पहले एथलेटिक्स में कभी भी भारत को कोई ओलंपिक मेडल नहीं मिला था। देश इस एथलेटिक्स में जीते हुए मेडल के लिए 121 सालों से सपने देख रहा था, उसको नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया है। ओलंपिक्स में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थी, और देशवासियों को जो विश्वास इस खिलाड़ी पर था, इन्होंने उस विश्वास को बनाए रखा और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आज नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट को देखकर पूरा भारत उन पर गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन क्या उनके लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान था? बिल्कुल नहीं। आज तक ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में हुआ ही नहीं जिसके लाइफ में सक्सेस स्टोरी ना हो। तो चलिए नीरज चोपड़ा के इस गोल्डन अचीवमेंट की सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने काफी त्याग किए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपना ध्यान सिर्फ तैयारी पर रखने के लिए उन्होंने एक साल पहले ही मोबाइल फोन से किनारा कर लिया था। वो सोशल मीडिया से तो दूर ही रहे और अपने मोबाइल को ज्यादातर स्विच ऑफ ही रखते थे। जब भी माँ सरोज और परिवार के अन्य लोगों से बात करनी होती थी तब वो खुद ही वीडियो कॉल किया करते थे। सफलता की राह में अन्य लोगों की तरह ही इनके जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहा। एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोई कोच ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी परिस्थितियों में भी जो हार ना माने और उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता जो खोज ले, जीत उसी की होती है। वैसे ही नीरज ने भी हार नहीं मानी और इंटरनेट से विशेषज्ञों की टिप्स को देखकर प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंचते रहे। इस तरह खेल के प्रति उनका कुछ इतना ज्यादा जज्बा था कि जहां से उन्हें मौका मिलता वो वहीं से चीजों को सीखा करते थे। अब थोड़ा इनके बचपन के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े नीरज बचपन में काफी शरारती थे। बचपन से ही वो दूध घी के काफी शौकीन थे, जिसके कारण नीरज अपने बचपन में काफी मोटे भी थे। उनकी दादी हमेशा उन्हें भरपेट और भरपूर प्रोटीन से भरा ही खाना खिलाती थी ताकि वो अपने पोते को हट्टा कट्टा देख सकें। हालांकि दोस्तों, दूध और देसी घी जैसी चीजों को बहुत ही ज्यादा खाने की वजह से नीरज मोटापे के शिकार हो गए थे, और अपने मोटापे के कारण गांव के दूसरे बच्चों ने इनका मजाक बनाना भी शुरू कर दिया था। उनके मोटापे से तो अब उनके परिवार वाले भी परेशान थे। इसीलिए वजन जब बेकाबू होने लगा तब उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। हालांकि नीरज पानीपत से स्टेडियम में जाते थे अपने फिटनेस को पाने के लिए, लेकिन कब उनके अंदर एक नए शौक ने जन्म ले लिया पता ही नहीं चला। एक दिन उन्होंने मैदान पर अपनी उम्र से बड़े लड़कों को भाला फेंकते हुए देखा तो मन में इच्छा जगी, इसलिए जैवलिन पर हाथ आजमाना चाहा। बात करें इनके परिवार की तो ये 17 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। नीरज के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा भी शामिल हैं। परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं, और शायद इसी वजह से वो परिवार के सबसे लाडले भी रहे हैं। अब बात करते हैं इनके जन्म और एजुकेशन की। तो नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के जिले पानीपत में हुआ था। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक BBA कॉलेज ज्वाइन किया था, और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ नीरज जैवलिन में भी अभ्यास करते रहे, और इसी दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल्स भी अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर्स के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से नीरज बहुत खुश थे, क्योंकि उनके परिवार में आज तक किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी।
ऐसे में अपने संयुक्त परिवार के पहले सदस्य थे जो सरकारी नौकरी करने जा रहे थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो इस नौकरी के जरिए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद भी किया करते थे और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस भी जारी रखी। बात करें नीरज चोपड़ा के अब तक के रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने अब तक जैवलिन थ्रो में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था और फिर 2013 में नीरज नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे और IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। 5 फीट 11 इंच लंबे और 86 किलोग्राम वजनीय नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88 मीटर्स का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 ही मेडल्स मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रोंज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज के कंधे पर चोट भी आ गई थी, इस वजह से वो काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे और इसके बाद कोरोना के कारण कई स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रद्द हो गए जिससे उनका खेल काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ज़ोरदार वापसी करते हुए इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर्स का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद इस साल के ओलंपिक्स में इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती ही है। इन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है इसे भारत सदियों तक याद रखेगा। दोस्तों अब जाहिर है कि नीरज चोपड़ा ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया तो देश की गवर्नमेंट का भी ये फर्ज बनता है कि वो हमारे देश के इस कोहिनूर के लिए कुछ करें और इसी वजह से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो गई है। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, क्लास 1 जॉब और रियायती प्लॉट देने की घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही है। इसके अलावा पंजाब सरकार और मणिपुर सरकार ने भी 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं बल्कि BCCI ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है और तो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। हमें उम्मीद है कि आपको नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी पर बनाई गई हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।